क्या कहा जाएगा इस बजरंग दल को, बलात्कारी बजरंग दल या विनय कटियार जी को हनुमान की तरह प्रस्तुत आप करें, या विनय कटियार जी यदि बजरंग दल को लाया और बजरंग दल अब हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक जिस पर हमें गर्व है हनुमान जी, उसको जोड़ा जाना लगातार इस देश में। पुलवामा 2019 जब नरेंद्र मोदी के दोबारे आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे तो एक गहरी साजिश शुरुआत हुई पुलवामा से। पूरी दुनिया को पता है सतपाल महाराज, सतपाल जी ने क्या सवाल खड़े किए और उसको कैसे खत्म किया गया। उसके बाद मोदी को नायक के रूप में बनाने के लिए सबसे पहली पिक्चर एक्सीडेंटल बनाया गया मनमोहन सिंह जी। एक्सीडेंटल पिक्चर के बाद लोगों को यह दिखाया गया कि एक प्राइम मिनिस्टर ये, और दोबारा एक पिक्चर बनाया गया नरेंद्र मोदी जिसको नायक के रूप में दिखाया गया। लगातार इस देश के आने वाले नए पीढ़ियों को मार्केटिंग के द्वारा एक साजिश के तहत देश के विकास से, जरूरत से, रोजगार से, किसान से, आम आदमी के सरकार से, और हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारा देश की जो एजुकेशन और स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको कंप्लीट रूप से दूर रखने के लिए लगातार एक पर एक साजिश। नरेंद्र मोदी सदी के महानायक हैं पीएम के रूप के बाद। मिशन कश्मीर बनाया गया नफरत पैदा करने, कश्मीर फाइल्स बनाए गए कि हम नफरत को पूरे देश में भड़का सकें, और जब कश्मीर फाइल्स के बाद देश में इस पर कोई बहस शुरू नहीं हुई, असर नहीं हुआ सिवाय मीडिया के, गोदी मीडिया के, तब जाकर के फिर एक पिक्चर, जब सारे रास्ते नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बंद हो गए तो उन्होंने 2024 और इन क्षेत्रीय चुनाव को जीतने के लिए एक पिक्चर का पुनः सहारा लिया, जो जिस तरह कश्मीर फाइल्स को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया तोड़ मरोड़ कर, उसी तरह एक पिक्चर बनाया गया कश्मीर केरला फाइल्स, केरला स्टोरी, जिसके बारे में अंतिम में जब नरेंद्र मोदी लगातार क्या क्या शब्द के प्रयोग मंदिर मस्जिद से लेकर हिंदुत्व से लेकर गाली से लेकर घरियाली आंसू से लेकर नमाज तक पढ़ने की बात कह दी गई, तब शुरुआत हुआ बजरंग दल। ये वही बजरंग दल है जिसको विनय कटियार भारत के एक सदन में रहने के बाद कुसुम मिश्रा 13 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके, यौन शोषण करके 4 दिन तक कैद रखते, उस आरोप को दबा दिया गया। क्या कहा जाएगा इस बजरंग दल को, बलात्कारी बजरंग दल या विनय कटियार जी को हनुमान की तरह प्रस्तुत आप करें, या विनय कटियार जी यदि बजरंग दल को लाया और बजरंग दल अब हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक जिस पर हमें गर्व है हनुमान जी, उसको जोड़ा जाना और हर भाषण में नारा लगवाना बजरंग दल बजरंग बली। कोई रास्ता जब बंद हो गया, बजरंग बली के रास्ते भी जब नरेंद्र मोदी के बंद हो गए, कर्नाटक में जब ये तय हो गई कि पूरे देश में बजरंग बली की मंदिर हम लोग बनाएंगे, पूरे बिहार में पप्पू यादव बनाएंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वही रेपिस्ट जिसने बजरंग दल को बनाया था, आज वो बजरंग दल को जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आस्था के सबसे श्रेष्ठ कर मर्यादित पुरुषोत्तम राम की छाया रहने वाले हनुमान को जिस तरीके से जोड़ा गया है, क्या ये माफी मांगने की बात नहीं है? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि हमारे भगवान का इस्तेमाल राजनीति के लिए और एक निचले जिसको क्या कहा जाए, फिर कोई बात कहूं तो गलत होगा, स्तर पर जाकर का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं,
खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।